जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग आज होनी है। छह जिलों की 26 सीटों पर आज मतदान होगा। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। तो देखिए 239 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। ईवीएम में कैद होगी इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत। करीब 2.5 मिलियन मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। निर्वाचन क्षेत्रों को घाटी और जम्मू संभाग के 6 जिलों में विभाजित किया गया है। चुनाव आयोग ने 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। 1,056 शहरी और 2,446 ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और आज सेकंड फेज की वोटिंग होनी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी इस पर अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव, जम्मू कश्मीर में आज सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, जानकारी दीजिए क्या तैयारी हो चुकी है अब तक। बिल्कुल, देखिए अब जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो गया है और 7 बजे से 6 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया का समय निर्धारित किया गया है। शाम 6 बजे तक लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए दूसरे चरण में 26 सीटों पे आज जो है मतदान प्रक्रिया है और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जनता बहुत जागरूक है इस बार, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले चरण के मतदान में इस तरह लोग बढ़ सकते हिस्सा लिए और तो कहा जा सकता है कि भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए। उसी तरह का कहा जा सकता है माहौल जो है देखने को मिल रहा है और आप देखिए लगातार चाहे चुनाव आयोग हो या जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे आने के नेता है, सभी लोग जनमानस से यह व्यक्ति कर रहे हैं कि पहले मतदान से जलपान इसी आंदोलन में और इसी स्लोगन को सहयोग दे रहे हैं और जनता भी बहुत उत्साहित है। इस बार देखिए निर्णायक भूमिका में जो है वह युवा मतदाता है। युवा मतदाताओं को दिखाने के लिए सभी लोगों ने अपने क्षेत्रों में उनको रोजगार देने के लिए व्यवसाय देने के लिए तमाम चीजों को लेकर के वादा किया गया है। अब जनता किसके साथ जाएगी क्या तो 8 अक्टूबर तक जब मतगणना होगा तभी पता चलेगा, लेकिन इतना जरूरी है कि देखिए आज जो है 36 सीटों पर जहाँ पे जो मतदान हो रहा है वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद किया गया है। जो मतदाता है पूरी तरह से अपने घरों से निकल कर सुरक्षित जो है अपनी बूथ तक जाए और अपने मत का प्रयोग करें, इसको लेकर पूरी व्यवस्था प्रचार की तरफ से चुनाव आयोग किया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर है राजीव जिस तरीके से आपने जानकारी दी है क्योंकि तैयारियां पूरी हैं और देखिए मतदान भी लगभग शुरू ही होने वाला है। राजीव एक और जानकारी दीजिए कि क्योंकि अब जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ था उस दरमियान 61% वोट पड़े थे, इस बार क्या लग रहा है राजीव सेकंड फेज में क्या इससे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत ही बेहतर व्यवस्था किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों को डिवाइड कर दिया है जैसे 157 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 26 मतदान केंद्र जो इनको नाम दिए गए 30 मतदान केंद्र जहाँ पे जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं अपने घरों से निकल करके जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे अधिक से अधिक स्टाफ जो है चुनाव आयोग ने जो है महिलाओं को नियुक्त किया गया है जो आप गड़बड़ है तो लोग प्रशिक्षक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिक्कत न हो इसको ध्यान में रखा है चुनाव आयोग ने। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर पहले मतदान प्रक्रिया की बात की जाए 7 सबसे चले जो पूर्व रहे थे तो इस बार और अधिक स्वरूप को लेकर के चुनाव आयोग पूरी तैयारी में हुए। अगर दिव्यांगों की बात की जाए तो देखिए दिव्यांगों के लिए भी 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे कोई दिक्कत न हो हर तरह से व्यवस्था की गई है। युवाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है कि जहाँ पे केवल युवा आयोग के अधिकारी को किए गए हैं ताकि एक पॉलिटिक मैसेज आए और लोग हर्षोल्लास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग ने बेहतर तैयारी किया है कि इस बार टीका नहीं किया जा सकता है तो माना जा रहा है कि इस बार भी अधिक से अधिक वोटपूर्ण होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। दूसरे दौर का मतदान है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त वोटिंग होगी, नए वोटिंग के रिकॉर्ड्स बनेंगे। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन करता हूं कि दिल खोल कर मतदान करें, बिना भय राग और द्वेष के मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए
मतदान करें और नए जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए वोट करें और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के